नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, कांग्रेस प्रत्याशी जाहिदा खान ने लोगों से माफी मांगी है। हम आपको 5 साल में समय नहीं दे पाए, ये जाहिदा की तरफ से कहा गया है। समय दे पाने के लिए माफी मांगते हैं। लगातार क्षेत्र में हो रहा है जाहिदा खान का विरोध और कामा में कांग्रेस प्रत्याशी जाहिदा खान का विरोध हुआ। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान जाहिदा खान का विरोध देखने को मिला था और इसी को लेकर के अब जाहिदा खान ने लोगों से माफी मांगी है और उन्होंने ये कहा है कि हम आपको 5 साल में समय नहीं दे पाए हैं, उसके लिए माफी मांगते हैं। समय न दे पाने के लिए माफी। सर, एक बात मैं अपनी मांगती हूँ कि हम लोग आप लोगों के बीच में नहीं रह पाए कि मौसू या दौरान जो कमी हुई है सारी, उनकी मैं आप सब अंसु माफी मांग रहा हूँ। इलेक्शन के बाद आप लोग पर्सनली मिलकर या वैसे मुझे जरूर बता दीजिएगा और अब साजिद भी आप लोगों के बीच में रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए जाहिदा खान का लगातार विरोध देखने को मिला, अब इसको लेकर के इन्होंने माफी मांगी है लोगों से कि हम आपको 5 साल समय नहीं दे पाए हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि आने वाले दिनों में अब वो सक्रिय होती हुई नजर आएंगी, लोगों से बातचीत करती हुई नजर आएंगी। देखिए आयुषी, जाहिदा खान कामा से विधायक और सरकार में मंत्री है, लेकिन उन्होंने सबसे जो कम समय है वो अपने मतदाताओं के लिए निकाला है राजस्थान में, और मतदाताओं में इसी का गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। इस दौरान चुनाव प्रचार के लिए जब वो कांग्रेस प्रत्याशी जाहिदा खान अपने क्षेत्र में जा रही हैं तो उनका विरोध देखने को मिल रहा है और इसके लिए वो लोगों से माफी मांगती हुई नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि मैं माफी आपसे चाहती हूं कि मैं 5 साल में आपको सबसे कम समय दे पाई, लेकिन अब वो लोगों को भरोसा दिला रही है कि मैं आपको समय दूंगी। तो इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं जाहिदा खान को अपनी जो हार का डर है वो सता रहा है और इसीलिए वो लोगों से अब माफी मांगती हुई नजर आ रही है। लेकिन लोगों ने भी साफ कह दिया है कि अब ऐन वक्त पर आप आकर के हमारे बीच माफी मांग रही हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जो हमारी समस्याएं थी उनका समाधान नहीं हो पाया, कई गांव ऐसे हैं जहां अभी तक सड़कें नहीं बनी हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां कीचड़ की समस्या से लोग परेशान हैं। 2 दिन पहले भी देखा गया था कि जब जाहिदा खान चुनाव प्रचार के लिए जा रही थी तो उस दौरान उनका विरोध देखने को मिला था, और ऐसा कई गांवों में देखने को मिल रहा है कि जब जाहिदा खान चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं अपने परिवार के लोगों के साथ, उनके बेटे आर्य साजिद प्रधान और उनके पति जलीस खान उनके साथ रहते हैं, तो इस दौरान लोगों में काफी गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है और फिर गुस्सा को देखते हुए जाहिदा खान उनसे माफी मांगती हुई नजर आती है। और ये हर गांव में देखने को मिल रहा है, जहां भी जाहिदा खान चुनाव प्रचार के लिए जा रही है वहां संबोधन जब देती हैं तो संबोधन में सबसे पहले वो अपने आप से माफी मांगती है कि मेरे से गलती हुई, उसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन लोगों ने कहा कि अब वो इस बहकावे में नहीं आएंगे कि जिस तरह से 5 साल उन्होंने जो कष्ट झेले और समय उनको वहां से जो स्थानीय विधायक मंत्री हैं वो नहीं दे पाए, उनके काम नहीं हो पाए लोगों के, तो लोगों ने अब ठान लिया है कि किसी भी झांसे में नहीं आना है। और यही कारण है कि जाहिदा खान का जगह जगह जो है वो विरोध देखने को मिल रहा है। कामा विधानसभा क्षेत्र में, पूरी विधानसभा क्षेत्र में जो विरोध है वो विरोध देखने को मिल रहा है और थम्बे का नाम नहीं ले रहा है। टिकट मिलने से पहले भी जाहिदा खान का विरोध देखने को मिला था, लेकिन अब टिकट मिलने के बाद कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और अब जाहिदा खान चुनाव प्रचार के लिए जा रही हैं, तो ऐसे में लगातार जो क्षेत्र है वहां पर उनका विरोध देखने को मिल रहा है और वो लोगों से माफी मांगती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर जाहिर है कि उन्हें अपनी हार का डर सता रहा है और इसीलिए वो लोगों से माफी मांगती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर जो है वो बयां कर, अब लगातार विरोध उनका देखने को मिला है और उस वजह से वो माफी भी मांगती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है, लोग उनको माफी देते हैं या नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, कांग्रेस प्रचार में झोंकेगी पूरी ताकत। आपको बता दें कि कांग्रेस वॉर रूम में देर रात नेताओं की बैठक हुई है। केसी वेणुगोपाल, सीएम गहलोत, सचिन पायलट मौजूद रहे, जितेंद्र सिंह और मोहन प्रकाश भी बैठक में मौजूद रहे। सोनिया राहुल गांधी के दौरे के बीच ये अहम बैठक मानी जा रही है। इससे पहले गहलोत की राहुल से देखिए लगातार मुलाकात हुई है, सोनिया से भी चर्चा हुई है और दोनों से मुलाकात के बाद नेताओं से गहलोत मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, अब सोनिया और राहुल गांधी लगातार ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं और एक अहम बैठक भी की गई है और ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन सोनिया गांधी रुकेंगी जयपुर में ही और चुनावी रणनीति बनाएंगी। जी बिल्कुल, एक तरह से उन्होंने कमान संभाल ली राजस्थान को जिताने की और इसी कड़ी में राहुल गांधी भी उनके साथ में है। देर रात तक बैठ के वही जिसमें पायलट, गहलोत समेत जो तमाम बड़े नेता है वो मौजूद रहे,
बैठक का लबोलुभाव यही है कि कांग्रेस पार्टी यूनाइट नजर नहीं आ रही है। राजस्थान में चुनाव है लेकिन सचिन पायलट राजस्थान के बजाय दूसरे प्रदेशों में जाकर के प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में एक सही संदेश नहीं जा रहा मतदाताओं के बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में। तो इन तमाम चीजों को दुरुस्त करने के लिए कवायद की गई है गांधी परिवार की ओर से। उसी कड़ी में गहलोत पायलट एक बार फिर से बैठे हैं, चर्चा की गई है और किस तरह से जो सीटें जीतने की कगार पर है उन पर फोकस करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि जो सर्वे और ओपिनियन पोल है वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं बता रहे। तो एक चिंता का विषय बन गया है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए, करो या मरो का चुनाव है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी ताकत झोंके हुए हैं एक तरफ, तो सब लोग साथ लेकर के और फिर चुनाव मैदान में वो जाना चाहते हैं ताकि प्रचार में कहीं कोई शिकायत नहीं रहे, भीड़ भी अच्छी जुटे तमाम। बिल्कुल बाबूलाल, अब लगातार अहम बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, बीजेपी ने दो बागी नेताओं को निष्कासित किया है। अनूपगढ़ से पूर्व एमएलए शिमला बावरी निष्कासित और सूरतगढ़ से पूर्व एमएलए राजेंद्र भादु भी निष्कासित। आपको बता दें कि पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव दोनों नेता लड़ रहे हैं, तो ये बड़ी जानकारी आपको देना है श्रीगंगानगर से। देखिये यहाँ पर अब एमएलए राजेंद्र को भी निष्कासित किया गया है, पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ ये दोनों चुनाव लड़ रहे थे, अब पार्टी की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है, बीजेपी ने दो बागी नेताओं को निष्कासित कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक देखिए अब यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार अब एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अब नेताओं को निष्कासित किया जा रहा है पार्टी से। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों और समिति के द्वारा बागी नेताओं को मनाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन जब इसमें उन्हें कामयाबी और बागी नेताओं के द्वारा चुनावी मैदान में ताल ठोकने की प्रक्रिया लगातार जारी रखी गई, तो उसके बाद आखिरकार भाजपा की प्रदेश स्तरीय अनुशासन समिति के द्वारा दोनों ही बागी नेताओं को, जो की श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ विधानसभा से पूर्व साधु और अनूपगढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक है शिमला बावरी जी, हाँ दोनों को ही इनको अनुशासन समिति के द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। दोनों ही बागी नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही साथ पार्टी ने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि इन दो नेताओं के अलावा जो अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं जो पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ इस समय मैदान में डटे हुए हैं और उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं या फिर अन्य विरोधी खेमे के खिलाफ साथ में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं या उनका मतदान की अपील कर रहे हैं उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अशोक, और भी जो बागी हैं उनके लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है क्योंकि अब यहाँ पर उनको सबक मिलता हुआ नजर आएगा। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दे, बीजेपी पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत की प्राथमिक सदस्यता रद्द। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजावत की सदस्यता रद्द की है। बागी होकर के चुनाव लड़ने पर पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। लाटपुरा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं भवानी सिंह राजावत। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीएम गहलोत का आज चुनावी दौरा, 10:30 बजे जयपुर से सीएम गहलोत रवाना होंगे और अजमेर में सीएम अशोक गहलोत रोड शो करने वाले हैं। राहुल गांधी भी सीएम के साथ अजमेर आ सकते हैं। आपको बता दें कि कोटपुतली में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, उदयपुर वाटी में भी गहलोत जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो सीएम गहलोत का आज देखिए चुनावी दौरा देखने को मिलेगा, 10:30 बजे जयपुर से सीएम गहलोत रवाना हो जाएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको देना, और अजमेर में सीएम अशोक गहलोत रोड शो करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, आज अजमेर में रहेगी राजस्थान कांग्रेस की गारंटी यात्रा, सीएम गहलोत प्रभारी रंधावा इसमें शामिल होने वाले हैं। यात्रा के बाद प्रकाश रोड पर चुनावी सभा भी होनी है, तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए अजमेर में राजस्थान कांग्रेस की गारंटी यात्रा आज से शुरू होने वाली है। और बाड़मेर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायतू में आज सभा होनी है और बायतू में दोपहर बाद पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। मारवाड़ की 10 सीटों को पीएम मोदी साधेंगे और इन 10 सीट पर बीजेपी 2018 में कमजोर रही थी, एकमात्र सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी ने बड़ी भीड़ जुटाने की तैयारी की है। एकमात्र सीट पर बीजेपी को देखिए जीत मिली थी, अब लगातार बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायतू में आज सभा को संबोधित करने वाले हैं, बायतू में दोपहर बाद पहुंचेंगे पीएम मोदी।
चले रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों ताबड़तोड़ रैली